एकदम ग्रीन बेल्ट है। नेटवर्क अलाउड नहीं है क्योंकि टाइगर एनिमल्स की सुरक्षा के लिए पोचिंग को बढ़ावा ना मिले इसलिए नेटवर्क नहीं दिया गया। वाइल्ड लाइफ है नहीं, यहाँ वाइल्ड एक्ट लगता है। ऑनिंग द बेस्ट टाइम, ये ब्रिटिश टाइम से बना हुआ बॉस टावर है, टावर बंद कर दिए गए। हर जगह पानी है इसलिए टाइगर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वेन एंट्री है ना, ऐसे पेड़ों पर लेपर्ड बैठ जाता है, पर 3-4 दिन में एक बार पानी पीता है। थोड़ा बड़ा साइज होता है, वेरी थिक फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट है, जंगल घना है ना, टोटल कैरेट ग्रास है, कैरेट। टाइगर ऐसे नालों में छिप के रहता है। एलिफेंट ड्रॉपिंग, इधर से एलिफेंट गया होगा, स्मेल आ रही है। वेरी थिक फॉरेस्ट है ना जिम कॉर्बेट, नाइट में बारिश हुई थी। इधर वाटर हॉल बना हो ना, आर्टिफिशियल वाटर हॉल है मैन मेड। समर टाइम एनिमल्स रेस्ट फॉर इट पैलेस। Spotted deer. Deer is very thin, depend of tiger. Deer tiger का best food है। Elephant road side चला ना, dropping पड़ी हुई है। जिम कॉर्बेट में एनिमल्स को ढूंढना पड़ता है, टाइगर सम टाइम क्रॉस कर जाता है। दूर एक एलिफेंट है, सिंगल बेरी है, जीजीफा जीजूबा, इसको भालू लाइक करता ना, वेरी इज वेरी लाइक। टर्माइट जंगल से करता फाइट, दीमक को भालू खाता है। ये यूपी बॉर्डर है ना, अमानगढ़ रेंज, ATR, यूपी बॉर्डर बॉर्डर है। ये उत्तराखंड की चौकी है, ये हमारे उत्तराखंड की चौकी है जिम कॉर्बेट की, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। यूकेलिप्टिस हाइब्रिड है, यहाँ देश विदेश से लोग बर्ड वाचिंग के लिए भी आते हैं। ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं। Thank you.
सड़कें टूट गई ना बारिश में, सड़कें टूट गई हैं, ऐसे वापस ले सकते हो यहाँ से। आगे रोड हरिद्वार चली जाती है, लेकिन इस समय सड़क टूट गई है। एक्चुअली नीचे उतरना अलाउ नहीं कहीं भी, फॉलो करेंगे, सफारी का आनंद लेंगे। बल्कि लॉन्ग सफारी में आनंद आता है वैसे, ग्रीन बेल्ट हो जाता है, कभी कभी टाइगर रोड क्रॉस कर जाता है। पेड़ पौधे खुशहाली की निशानी है, हम हिंदुस्तानी हैं। नेचर लाइफ से बड़ी कोई लाइफ नहीं है। ये यूपी बॉर्डर, अमानगढ़ रेंज, ATR, ये जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा था, इसको डिवाइड कर दिया गया यूपी में। अगर हर जगह जा सकता है, उत्तराखंड में भी, यूपी में भी। लॉन्ग ग्रासलैंड टाइगर के लिए हंटिंग पैलेस, हंटिंग स्पेस। लेफ्ट राइट वॉच करते रहिए, सफारी का आनंद लीजिए। शिवालिक हिमालय की लघु रेंज, यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, कैंपस आ रहा है। फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, 1908 का बंगला बना हुआ है, जिम कॉर्बेट साहब यहीं पर रहते थे। 1908 में जिम कॉर्बेट साहब ने यह बंगला बनवाया, इसको कैंपस कहते हैं। ये झिरना जॉन कैंपस है। कृपया रूल्स फॉलो करें। ₹500 आप हमें दीजिए गाइड फीस।